हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डेटाबेस एसक्यूएल सीखने की सीरीज़ में आज हम देखेंगे कि यदि किसी फील्ड का नेम, मान लीजिए हमने गलत फील्ड बना दिया है, उसका हमको नेम चेंज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो स्टूडेंट सिटी लिखा हुआ है, ये एक फील्ड है, ठीक है, जो कि स्टूडेंट का सिटी यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इसमें जो आपके सिटी के कॉलम है। तो मान लीजिए हमको स्टूडेंट सिटी न लिख के यहाँ पे सिटी केवल करना हो, तो वह कैसे करेंगे हम इस चीज़ में, इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, तो इसको हम स्टोर प्रोसीजर के थ्रू हम यहाँ पे रीनेम करेंगे, ठीक है। रीनेम द फील्ड नेम यूजिंग स्टोर प्रोसीजर विथ रीनेम मेथड, ठीक है। एक रीनेम मेथड होता है, उसका प्रयोग करके हम यहाँ पे इसको हम करेंगे, ठीक है। इसके दो सिंटैक्स हैं, एक देखो सिंटैक्स यहाँ पे देख लेते हैं हम। एक है ई एक्स ई सी यानी एग्जीक्यूट, उसके बाद स्पेस देंगे, उसके बाद एस पी यानी स्टोर प्रोसीजर, फिर अंडर स्कोर, फिर लिखेंगे रीनेम, ये मेथड के नेम है रीनेम। फिर उसके बाद सिंगल कोट के अंदर आपको लिखना होगा टेबल नेम, जिस टेबल के कॉलम को आपको रिनेम करना है, यहाँ पे लिखेंगे टेबल नेम, और उसके बाद डॉट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओल्ड कॉलम नेम, जो आपका पुराना कॉलम नेम है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट सिटी, यहाँ पे पुराना कॉलम नेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्टूडेंट सिटी, उसके बाद ठीक है यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर सिंगल कोट ओपन और यहाँ सिंगल कोट क्लोज, ठीक है। उसके बीच में हम लिखेंगे न्यू कॉलम नेम, यानी हमको यहाँ पे क्या लिखना है, सिटी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिटी और फिर यहाँ कॉमा, फिर उसके बाद सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे कॉलम, ठीक है। तो सेम ऐसे ही सेकंड वाला भी सिंटेक्स है, लेकिन बस यहाँ पे ई एक्स ई सी यानी एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं लिखा रहेगा, बाकी सब यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो हमने जो स्टूडेंट सिटी लिखा, चलिए मान लीजिए इसी को हम चेंज करते हैं, यहाँ पे हम सिटी केवल करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो हमने एक जीपीएन नाम का डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर हमने एक जो एसपी नाम का एक हमारा टेबल बना हुआ है, इसको हम सिलेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एसपी, ठीक है। ये हमारा एक टेबल बना हुआ पहले से ही है, इसको हम डिस्प्ले करते हैं सिलेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा एक टेबल पहले ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब इसका हम स्टूडेंट सिटी जैसे चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे ई एक्स ई सी और उसके बाद स्पेस और लिखेंगे एस पी, फिर अंडर स्कोर, फिर लिखेंगे रीनेम, ठीक है रीनेम, और उसके बाद सिंगल कोट ओपन और क्लोज, इसके अंदर लिखेंगे टेबल नेम, टेबल का नेम क्या मेरा है यहाँ पे एस पी डॉट, और उसके बाद ओल्ड कॉलम नेम। अब क्या है ओल्ड कॉलम नेम, स्टूडेंट सिटी, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट सिटी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट सिटी, स्टूडेंट और क्या है सिटी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कामा और यहाँ पे लिखेंगे न्यू कॉलम नेम, तो न्यू कॉलम नेम क्या है यहाँ पे रखना चाह रहे हैं हम, केवल सिटी रखना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद कामा, फिर यहाँ पे कॉलम, ठीक है। इस सिंटेक्स को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है या फिर नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं, ऑप्शनल है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो ठीक है, क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट कर गई है, ठीक है। तो अब हम इसको सिलेक्ट करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे डिफरेंस डिफरेंट आया है, ठीक है। ये देखिए, पहले यहाँ पे था स्टूडेंट सिटी, अब यहाँ पे आ चुका है सिटी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे रीनेम करते हैं, ठीक है, फील्ड के नेम को। देखिए हमने क्या किया है, ई एक्स ई सी यानी एग्जीक्यूट इस तरह लिखेंगे और स्पेस देंगे, फिर एस पी यानी स्टोर प्रोसीजर, और उसके बाद अंडर स्कोर, और उसके बाद रीनेम मेथड का नाम लिखेंगे रीनेम, और सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे यहाँ पे एस पी यानी यहाँ पे टेबल का नेम, जो भी टेबल का नेम आपका होगा यहाँ पे लिखेंगे टेबल का नेम, फिर डॉट लगाएंगे, और उसके बाद पुराना कॉलम नेम जो भी होगा, जैसे यहाँ पे था स्टूडेंट सिटी तो हमने लिखा स्टूडेंट सिटी, उसके बाद कामा, फिर सिंगल कोट के अंदर न्यू कॉलम नेम, आप उस नए कॉलम का नाम क्या रखना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप लिखेंगे, फिर उसके बाद कामा, उसके बाद कॉलम, ठीक है। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे जो स्टूडेंट नेम है, इसको हम केवल नेम करना चाह रहे हैं या फिर केवल स्टूडेंट करना चाह रहे हैं, तो सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसको हम दूसरे सिंटेक्स करते हैं, एस पी रीनेम, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एस पी डॉट और उसके बाद क्या है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है। यहाँ पे कामा और इसके अंदर हम रखना चाह रहे हैं नेम, ठीक है। ये इसको हम कैपिटल कर देते हैं नेम, और इसके बाद यहाँ पे कामा और इसमें लिखेंगे कॉलम, ठीक है। ये हो गया कॉलम। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है, ठीक है।
तो इसको चलिए एग्जीक्यूट करते हैं, स्टूडेंट नेम इसको हमने एग्जीक्यूट किया, देखिए ठीक है, क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, यानी हमारी क्वेरी रन हो चुकी है। अब इसको सेलेक्ट करके देखते हैं क्या हुआ। देखिए यहाँ पे क्या था, पहले स्टूडेंट नेम था, अब क्या हो गया, नेम केवल। तो इस तरह से हम जो कॉलम का फील्ड का नेम है उसको हम चेंज करते हैं स्टोर प्रोसीजर के थ्रू, किसके साथ, वो भी रीनेम मेथड के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको जो कॉलम का नेम चेंज करने आ गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वीडियो आपको इस पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।